सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस पावर को लेकर। आप लोग देखो, रिलायंस पावर में हमें 5% का लोअर सर्किट आज के दिन देखने को मिला है। और वॉल्यूम जो आई है वो यहाँ पर देखोगे भी 5,20,00,000 की। तो हाई वॉल्यूम के चलते आप लोग देखो स्टॉक में ये बनी है गिरावट, लोअर सर्किट पर पहुंचा, यानी कि सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर है भाई, ठीक है। और ये सेलिंग प्रेशर क्यों आया है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आप लोग देखोगे 26.56% के करीब जो स्टॉक है वो अपने बाउंड वीक हाई से फिसल चुका है। अभी टाइम 25.30 रुपये के भाव में है। तो क्या यहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी बन सकती है या फिर नहीं, आप लोग देखोगे। अभी इलेक्शन रिजल्ट्स बाकी है। हालांकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो तो आ गए हैं, जिसका असर हमें स्टॉक के ऊपर नेगेटिव देखने को मिला है। लेकिन इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए था जैसा आते हुए नजर आया है। और बाकी देखेंगे भी, आपको थोड़ा बहुत अगर रिजल्ट नहीं देगा तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखोगे कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ ना ईयर टू ईयर लगभग 15.6%, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की वजह आप लोग देखोगे कंपनी को देखो, हालांकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 321 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वहां से जो है वो कंपनी लॉस में गई है 397 करोड़। तो 397 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले लॉस में गिरावट है। प्रीवियस में 1100 करोड़ के आसपास लॉस था, वहां से कंपनी ने 397 करोड़ का लॉस किया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे कंपनी पहले प्रॉफिट में थी, अब की बार जो है लॉस में आते हुए नजर आई है, ठीक है। रिवेन्यू इंक्रीज हुए ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर। और बाकी जो प्रॉफिट्स का मामला है वहाँ पर आकर थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से स्टॉक के ऊपर हमें दबाव देखने को मिला है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अभी आप लोग इलेक्शन रिजल्ट्स बाकी, और बाकी यहाँ पर आप लोग देख लेना भी अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं रिजल्ट्स इसके, ये मार्च क्वार्टर और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मार्च है, ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर, और यहाँ पर आपको दिसंबर क्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अंदर सारी चीज़ें आप लोग देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन जो है प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी आप लोग देखोगे इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे भी नेट प्रॉफिट जो वो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज है भी, ठीक है। यानी कि प्रीवियस में तो 1136 करोड़ का लॉस था ना कंपनी को, वहां से तो इंक्रीजिंग में आए हैं लगभग 397 करोड़ का लॉस। लॉस जरूर है लेकिन प्रीवियस के मुकाबले कम है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहां पर 321 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस वजह से स्टॉक के ऊपर थोड़ा दबाव है, बट पैनिक नहीं होना चाहिए। अब इसका आपको दिखाते हैं डाटा और चार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रिलायंस पावर लगभग जो ओपन होते हुए नजर आया था हमें 26.60 प्रीवियस क्लोजिंग के ओपन हुआ, ये 26.05 पर 26.20 का फिर थोड़ा बहुत इसने हाई लगाया। फिर उसके बाद जो स्टॉक है वो नीचे गया भी 25.30, और वहीं पर आप लोग देखोगे क्लोजिंग आते हुए नजर आई है अभी इसके, ठीक है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे 4,45,000 क्वांटिटी आपको सेलिंग के लिए देखने को मिल रही है, और डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो 47% डिलीवरी उठी है, जो कि लगभग ठीक है भाई। तो डिलीवरी ठीक ठाक उठते हुए नजर आई है, हालांकि सेलिंग ऑर्डर जरूर रहेगा लेकिन डिलीवरी 47% उठी है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। अगर बात करें चार्ट की, तो वैसे तो आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट निकाले और ये ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, जो कि पिछले मार्च से, ठीक है, मार्च 2022 से 23 से लेकर अब तक आप लोग बिल्कुल ये पॉजिटिव में रहा है भाई, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप लोग देखो ऊपर से तो टूटा ही अभी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्टॉक में अभी के टाइम जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, अभी दो सपोर्ट है 23.95 और दूसरा रहेगा अभी 20.35 रुपये। तो रिजल्ट ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेके चलना आपको, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग अभी के टाइम जो स्टॉक है वो नीचे से उठा था भाई, 23 रुपये के आसपास से उठा और ऊपर में 25-26 रुपये के आसपास गया था, 26-27 के आसपास। तो ऐसे में तो देखो प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिजल्ट्स थोड़े से डाउन आए हैं, उस वजह से दबाव है। और यहाँ पर यह सपोर्ट अभी तो इनके ऊपर काम कीजिए, इलेक्शन रिजल्ट से पहले 20 रुपये का सपोर्ट पकड़ के चलिए, 20 रुपये को अगर नीचे में काटे तो उस कंडीशन में सोचो एक बार भाई बेच दे या फिर रखना है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आगे पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मियों के मौसम आ चुके हैं और इसमें पावर की डिमांड हाई है। इन सब को देखते हुए आप लोग सोच सकते हो कि पावर की डिमांड हाई होगी तो उससे स्टॉक्स के जो भी रिवेन्यू वगैरह है उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और उसका अगले क्वार्टर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो अभी पावर की जो डिमांड है उसके चलते जो पावर स्टॉक्स हैं उनमें रैली बनी हुई, तो ये स्टॉक भी रैली दिखाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।